गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा दो विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ छः जिसका शीर्षक है लिंग, इस पाठ के अभ्यास कार्य को कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग एक में हमने लिंग नामक पाठ को पढ़ा था और उसे समझा था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एक बार पाठ को दोहराएंगे कि लिंग क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या होते हैं बच्चों लिंग? वो शब्द जिनसे स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। वो संज्ञा शब्द जिनसे उसके स्त्री जाति के या फिर पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग और इसके उदाहरण हैं माँ, बहन, गाय आदि। दूसरा है पुल्लिंग, इसके उदाहरण हैं पिता, भाई, बैल आदि। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। पहले हम देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। वो शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे बैल, ताजमहल, हाथी, लड़का, पिताजी आदि पुल्लिंग शब्द हैं। तो वो शब्द जिन शब्दों से ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं तो उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे बैल हो गया, ताजमहल हो गया, हाथी, लड़का, पिताजी आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वो शब्द जिनसे पता चलता है कि ये स्त्री जाति के हैं उन शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण है गाय, हथनी, लड़की, माताजी, इमली आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, हाथी, लड़की, माताजी, इमली आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो क्या लिंग क्या होते हैं? शब्दों का वो रूप जिससे स्त्री उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है वो लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जिनसे स्त्री जाति के होने का पता चलता है, यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। अभ्यास कार्य, पहला अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क, लिंग के कितने भेद होते हैं नाम बताइए। लिंग के कितने भेद होते हैं
नाम बताइए। इसका उत्तर है लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर वन स्त्रीलिंग एंड नंबर टू पुल्लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर वन स्त्रीलिंग एंड नंबर टू पुल्लिंग। अगला प्रश्न है ख, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तर है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है ग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। अगला अभ्यास देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क, चार स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। चार स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, यहाँ पर आपको चार स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। उत्तर में लिखेंगे माताजी, लड़की, गाय, मोरनी। माताजी, लड़की, गाय, मोरनी। अगला प्रश्न है ख, चार पुल्लिंग शब्द लिखिए। इसका उत्तर है पिताजी, लड़का, बैल, हाथी। पिताजी, लड़का, बैल, हाथी। अगला अभ्यास है निम्नलिखित शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। निम्नलिखित शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो हैं श्रीमान, सेविका, दयावान, नौकरानी, बालक, गायिका, चूहा, हथनी। इन सभी शब्दों को अलग अलग करना है। यहाँ आपको दो कॉलम दिए गए हैं, एक है पुल्लिंग का और दूसरा है स्त्रीलिंग का। इन शब्दों में से जो पुल्लिंग शब्द हैं वो पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है श्रीमान। श्रीमान शब्द एक पुल्लिंग शब्द है तो इसे लिखेंगे हम पुल्लिंग वाले कॉलम में, श्रीमान। अगला शब्द है सेविका। सेविका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला शब्द है दयावान। दयावान शब्द भी एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए हम इसे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला है नौकरानी। नौकरानी शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है इसे हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला है बालक। बालक शब्द एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए हम इसे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला है गायिका। गायिका शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसे हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला है चूहा। चूहा शब्द एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए हम इसे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। और आखिरी शब्द है हथनी। हथनी एक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, पुल्लिंग वाले शब्द हैं श्रीमान, दयावान, बालक, चूहा और स्त्रीलिंग शब्द हैं सेविका, नौकरानी, गायिका, हथनी। इसके बाद हम अगला अभ्यास देखेंगे, सही मिलान कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनको
उनके सही जोड़े से मिलान करना है। पहला शब्द है चूहा। चूहा, चूहा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है चूहिया। चूहिया, तो इसे हम मिलाएंगे चूहिया से, चूहा को मिलाएंगे चूहिया से। अगला है भाई। भाई शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द है बहन, तो भाई को मिलाएंगे बहन से। अगला शब्द है दादा। दादा शब्द भी एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द है दादी, तो दादा को मिलाएंगे दादी से। अगला शब्द है शेर। शेर एक पुल्लिंग शब्द है, इसको मिलाएंगे शेरनी से, क्योंकि शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है। अगला है मोर। मोर एक पुल्लिंग शब्द है और मोर का स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी, तो मोर को मिलाएंगे मोरनी से। चूहा को मिलाएंगे चूहिया से, भाई को बहन से, दादा को दादी से, शेर को शेरनी से, मोर को मोरनी से। उसके बाद हम अगला अभ्यास देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और उसके नीचे उसके तीन विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही विकल्प है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर वन पर है, लिंग के भेद होते हैं क तीन, ख दो, ग चार। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, तो सही विकल्प है ख दो। ख दो के आगे राइट लगाएंगे। नंबर टू है, बेटी का पुल्लिंग है क पुत्र, ख पुत्री, ग बेटा। तो बेटी का पुल्लिंग होता है बेटा, तो ग बेटा के सामने राइट लगाएंगे। नेक्स्ट है नंबर थ्री, छात्रा का पुल्लिंग है क छात्रों, ख छात्र, ग छात्राओं। छात्रा का पुल्लिंग शब्द है छात्र, तो सही आंसर है ख छात्र। ख छात्र के सामने राइट लगाइए। नंबर फोर है, रानी का पुल्लिंग है क रानिया, ख राजाओ, ग राजा। रानी शब्द का पुल्लिंग शब्द होता है राजा, तो ग राजा के सामने राइट लगाएंगे। नंबर फाइव है, भगवती का पुल्लिंग है, भगवती का पुल्लिंग है क देवता, ख भगवान, ग ईश्वर। भगवती का पुल्लिंग होता है भगवान, तो ख भगवान के सामने राइट लगाएंगे। अगला है रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां, नंबर वन है सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ गोले दिए गए हैं और उन गोलों में कुछ नाम दिए गए हैं, उनको आपको सही जोड़े से मिलाना है। सबसे पहले है चाचा। चाचा को हम चाची वाले गोले से मिलाएंगे, जहाँ जिस गोले में चाची लिखा हुआ है उस गोले से मिलाएंगे चाचा को चाची। फिर है मौसा। मौसा शब्द को हम मिलाएंगे मौसी वाले गोले से। अगला है लड़का। लड़का को हम मिलाएंगे लड़की वाले गोले से। फिर है पापा। पापा को हम मिलाएंगे मम्मी वाले गोले से, जिस गोले में मम्मी लिखा हुआ है उस गोले से मिलाएंगे पापा को। अगला है चूहा। चूहा को हम मिलाएंगे चूहिया वाले गोले से। चूहा को मिलाएंगे चूहिया वाले गोले से। चाचा को चाची वाले गोले से, मौसा को मौसी वाले से, लड़का को लड़की वाले से, पापा को मम्मी वाले से, चूहा को चूहिया वाले से।
उसके बाद है वर्ग पहेली में से ढूंढकर चार स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। वर्ग पहेली में से ढूंढकर चार स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है, आपको क्या करना है उनमें से चार स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखने हैं। तो यहाँ पर चार स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। नंबर वन पे दादी, नंबर वन इज दादी। नंबर टू इज गाय। नंबर थ्री शेरनी। एंड नंबर फोर लड़की। नंबर वन पे लिखेंगे दादी, नंबर टू पे गाय, नंबर थ्री पे शेरनी एंड नंबर फोर पे लड़की। यहाँ आपके इस पाठ के अभ्यास कार्य खत्म होते हैं। आपका गृह कार्य है, आपको प्रश्न संख्या 32 पर से लिंग याद करने हैं। प्रश्न संख्या 32 पर दिए गए लिंग याद करने हैं। धन्यवाद।